तो चलिए अब समझते हैं डेटाबेस एक्सेस, यानी कि मुझे अगर SQL डेटाबेस है, Oracle डेटाबेस है या कोई भी अदर टाइप ऑफ डेटाबेस है, उसको मैं कैसे एक्सेस कर सकती हूँ। तो आज हम समझेंगे SQL डेटा सोर्स कैसे यूज कर सकते हैं। तो जैसे आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है डेटाबेस एक्सेस। नाउ दिस इज माय पेज जो मैंने ऐड किया है datasource.asps। तो चलिए अब इसमें ग्रिड ऐड करते हैं। गो टू स्टैंडर्ड कंट्रोल्स, गो टू डेटा एंड देन क्लिक ऑन ग्रिड व्यू। नाउ यहाँ पे मुझे डेटा सोर्स में SQL डेटाबेस का डेटा सोर्स देना है, तो उसके लिए हम पहले क्रिएट करेंगे SQL डेटा सोर्स। सो जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, डेटा के अंदर SQL डेटा सोर्स है। डबल क्लिक इट, कॉन्फ़िगर डेटा सोर्स, न्यू कनेक्शन, क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन। अगर कोई डेटा सोर्स के लिए सर्वर अवेलेबल है देन क्लिक ऑन दैट। देन आई वॉन्ट अ डेटा बेस टू बी कनेक्टेड, तो मुझे ASP.NET DB करके मेरा डेटा बेस है वो टेस्ट कनेक्शन करना है। सो डू इट टेस्ट, ओके सक्सीडेड, ओके नेक्स्ट। यह आपकी कनेक्शन स्ट्रिंग बाय डिफॉल्ट .NET ने बना दी, दैट इज ASP.NET DB कनेक्शन स्ट्रिंग। ये नेक्स्ट करने के बाद ये आपके वेब कन्फिग में ऐड हो चुकी होगी। नेक्स्ट, नाउ आई वांट दिस टेबल टू बी डिस्प्लेड, तो क्लिक ऑन स्टार। अगर आपको कोई दो ही कॉलम्स डिस्प्ले करवाएं देन क्लिक ऑन नेम एंड ID, बट मुझे यहाँ पे सारी कॉलम्स डिस्प्ले करवाने, तो आई डू इट स्टार। नेक्स्ट देन टेस्ट क्वेरी, तो आउटपुट ये आएगा, देन फिनिश। नाउ गो ऑन ग्रीड, चूज डेटा सोर्स, सिलेक्ट SQL डेटा सोर्स 1, ओके सेव। वेब कन्फिग में देखिए ये कनेक्शन स्ट्रिंग अपने आप ऐड हो गई बाय .NET। सो बेसिकली इफ यू सी, यहाँ पे मेरा डेटाबेस का नाम है, दिस इज माय सर्वर नेम, दिस इज माय डेटाबेस नेम, और इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ट्रू, यानी कि मुझे विंडोज ऑथेंटिकेशन से ही करना है। तो दिस इज हाउ माई क्वेरी स्ट्रिंग फॉर कनेक्शन इज प्रिपेयर्ड। सो अब इसको रन करते हैं। सो दिस इज माई ग्रीड व्यू डिस्प्लेड, जिसका कनेक्शन हमने किया है SQL डेटाबेस के साथ। सो इस तरह से हम डेटा एक्सेस कर सकते हैं ऑफ एनी टाइप ऑफ डेटा सोर्स इनटू माय .NET कंट्रोल्स। जैसे आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रहा है, डेटा के अंदर है XML डेटा सोर्स, SQL डेटा सोर्स, साइट मैप डेटा सोर्स, ऑब्जेक्ट डेटा सोर्स, लिंक क्यू डेटा सोर्स, एंटिटी डेटा सोर्स, ये सारे टाइप्स ऑफ डेटा सोर्स अवेलेबल है, जिसको कन्फिगर करके आप जैसे डेटा लिस्ट, डिटेल्स व्यू, फॉर्म व्यू, ग्रिड व्यू में यूज कर सकते हो फॉर डेटा लोडिंग। अब समझते हैं ADO.NET। सो नेक्स्ट टॉपिक है ADO.NET।